आज के वीडियो में तकरीबन हम ऐसे 5 तरीके देखेंगे जिसके थ्रू हम मास्टर शीट से डेटा वेरियस शीट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखते हैं अपना पहला तरीका। ये मेरे पास एक डेटा है और मुझे वेरियस शीट्स क्रिएट करने हैं जो कि सेल्स पर्सन के नाम से हों। क्लिक करेंगे सेल्स पर्सन के हेडिंग पे, कॉपी करेंगे इसे कंट्रोल सी या कमांड सी और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी या कमांड वी। कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ हम टाइप करेंगे यूनिक प्लस या फिर इक्वल टू यूनिक ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे फर्स्ट सेल पर्सन के नाम पे, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर सारे यूनिक नाम आ चुके हैं। अब हम एक न्यू शीट इंसर्ट करेंगे, क्लिक करेंगे D5 पर, इंसर्ट करेंगे प्लस या फिर इक्वल टू, जाएंगे अपने डेटा एंट्री शीट में और हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है उस पर हम क्लिक कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे राइट में ड्रैग कर लेते हैं। आप देखेंगे कि अमाउंट के बाद 0 नजर आ रहा है क्योंकि हमारा जो मेन शीट है जहां हम डेटा एंट्री करने वाले हैं वहां अमाउंट के बाद कुछ भी नहीं है। आते हैं अपने ब्लैंक शीट में, क्लिक करते हैं फर्स्ट हेडिंग पर, जाते हैं फॉर्मूला बार में और इफ का क्राइटेरिया इंसर्ट कर देंगे। इफ ब्रैकेट ओपन, जाएंगे अपने मेन शीट में मीन्स डेटा एंट्री शीट में, क्लिक करेंगे फर्स्ट हेडिंग पर इज इक्वल टू ब्लैंक। जब ये ब्लैंक हो तो रिटर्न में भी हमें ब्लैंक चाहिए, तो ब्लैंक के लिए एक्सेल में हम यूज करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार फिर से इंसर्ट करेंगे, कॉमा एंड में आएंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे राइट में ड्रैग कर लेंगे। हमारा जो 0 नजर आ रहा था वो रिमूव हो चुका है। सारे हेडिंग्स को सेलेक्ट करते हैं और इसे नीचे तक हम ड्रैग कर देते हैं। आते हैं ऊपर की तरफ, तो हमारा यहाँ डेटा आ चुका है। सारी चीज़ों को सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। फर्स्ट हेडिंग पर क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की, यहाँ कोई कलर इंसर्ट कर देते हैं, फॉन्ट कलर को चेंज कर लेते हैं। ये कॉलम एक्स्ट्रा है, इसे हम डिलीट कर लेते हैं, डिलीट। डेटा में कहीं भी क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं कंट्रोल ए और यहाँ बॉर्डर्स इंसर्ट कर देंगे। जाएंगे अपने डेटा एंट्री शीट में, यहाँ से सेल्स पर्सन का जो हेड है उसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी या कमांड सी, आएंगे अपने ब्लैंक शीट में और यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी या कमांड वी। कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेते हैं, क्लिक करते हैं सेल्स पर्सन के हेडिंग के जस्ट नीचे, जाएंगे डेटा में डेटा वैलिडेशन, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट सोर्स, जाएंगे अपने डेटा एंट्री शीट में, इसे लेते हैं लेफ्ट साइड में। सारे नेम्स को हम टॉप से बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे और करेंगे ओके। तो हमारे यहाँ ड्रॉपडाउन क्रिएट हो चुका है, हम सेलेक्ट करते हैं अल्बर्ट यानी कि फर्स्ट नेम। व्यू में जाएंगे शो और यहाँ से ग्रिड लाइंस को हम रिमूव कर देंगे। कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेते हैं, क्लिक करेंगे सेल्स पर्सन के हेडिंग पे, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। अब हम प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल एल, ऊपर की तरफ आते हैं। हमारा यहाँ फिल्टर क्रिएट हो चुका है, क्लिक करते हैं फिल्टर पे, सेलेक्ट ऑल पर टिक है, इसे अनटिक करते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं अल्बर्ट और करते हैं अप्लाई फिल्टर, इसे क्लोज कर देंगे। तो हमारा अल्बर्ट का डेटा आ चुका है, शीट को रीनेम कर देते हैं, ये हो जाएगा अल्बर्ट। अब इसका हम कॉपी क्रिएट कर लेंगे, क्लिक करेंगे शीट के नेम पर, राइट क्लिक करेंगे माउस को, मूव और कॉपी, मूव टू एंड, क्रिएट अ कॉपी, ओके। ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ अल्बर्ट नज़र आ रहा है, क्लिक करेंगे यहाँ और इसे कर देंगे अलेक्जेंडर। फिल्टर पर क्लिक करेंगे, अल्बर्ट को अनटिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे अलेक्जेंडर, अप्लाई फिल्टर, इसे क्लोज करेंगे। तो ये अलेक्जेंडर का शीट रेडी हो चुका है, शीट को रीनेम कर देते हैं अलेक्जेंडर। इसी तरीके से हम बाकी के सेल्स पर्सन के शीट को भी रेडी कर लेंगे। देखते हैं अपना सेकंड एग्जांपल। डेटा हमारा सेम है, डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल ए, पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, एक छोटा सा विंडो पॉपअप होगा, क्रिएट टेबल, यहाँ टिक है माय टेबल हैज हेडर्स, हम करेंगे ओके। तो हमारा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ से टेबल का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। टेबल में हम कहीं भी क्लिक करेंगे, जाएंगे टेबल टैब में, आप गौर करेंगे टेबल का नाम है टेबल 1। अब हम एक न्यू शीट इंसर्ट करेंगे, यहाँ हम कहीं भी टाइप करेंगे प्लस या फिर इक्वल टू टेबल। हमने सिर्फ एक टेबल इंसर्ट किया है इस वर्कबुक में, तो टेबल 1 नज़र आ रहा है, क्लिक करेंगे टेबल 1 पर। यहाँ हम इंसर्ट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, जब हमने स्क्वायर ब्रैकेट इंसर्ट किया तो सारे के सारे हेड्स यहाँ नज़र आ रहे हैं। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो ऑप्शन नज़र आता है ऑल का, हम क्लिक करेंगे ऑल पर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। पूरा का पूरा डेटा हमारा यहाँ आ चुका है। पूरे शीट को सेलेक्ट करते हैं, सारी चीज़ों को सेंटर में अलाइन कर लेते हैं और मिड में भी अलाइन कर लेते हैं। हेड्स के कलर को चेंज कर लेंगे, फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे, हेड्स के साइज को इंक्रीज कर लेंगे। डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल ए और यहाँ बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। सेल्स पर्सन के कॉलम साइज को इंक्रीज करते हैं,
क्लिक करते हैं सेल्स पर्सन पे, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। अब हम प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल एल, आते हैं ऊपर की तरफ और हमारा यहाँ फिल्टर क्रिएट हो चुका है। क्लिक करते हैं फिल्टर पे, सेलेक्ट ऑल पर टिक है, इसे अनटिक करते हैं और सेलेक्ट करते हैं अल्बर्ट, अप्लाई फिल्टर, इसे क्लोज करते हैं। यह हमारा अल्बर्ट का डेटा आ चुका है, शीट को रीनेम कर देते हैं अल्बर्ट, इसका कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। क्लिक करते हैं शीट के नेम पर, राइट क्लिक करते हैं माउस को, मूव और कॉपी, मूव टू एंड, क्रिएट अ कॉपी, ओके। क्लिक करते हैं फिल्टर पे सेल्स पर्सन के, अल्बर्ट को अनटिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं अलेक्जेंडर, अप्लाई फिल्टर, इसे क्लोज करते हैं। तो ये अलेक्जेंडर का डेटा आ चुका है, शीट को रीनेम कर देते हैं अलेक्जेंडर। इसी तरीके से हमें बाकी के सेल्स पर्सन के डेटा को भी रेडी करना होगा या फिर शीट्स इंसर्ट करने होंगे। देखते हैं थर्ड वे। डेटा हमारा सेम है, प्रोसेस अलग होगा। डेटा में कहीं भी क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं कंट्रोल ए। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, माई टेबल हैज हेडर्स, और हम करेंगे ओके। हमारा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल ए। अब हम इसे कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी, जाएंगे न्यू शीट में या फिर न्यू शीट इंसर्ट करेंगे, कहीं भी क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे पेस्ट लिंक। हमारे यहाँ लिंक पेस्ट हो चुका है लेकिन हेडर्स पेस्ट नहीं हुए हैं। जाते हैं डेटा एंट्री शीट में, हेडर्स को यहाँ से कॉपी करते हैं कंट्रोल सी या कमांड सी, जाते हैं अपने न्यू शीट में और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी या कमांड वी। पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, सारी चीज़ों को सेंटर में अलाइन कर लेंगे, कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल ए और यहाँ बॉर्डर्स इंसर्ट कर देंगे। व्यू में जाएंगे, शो ग्रिड लाइंस को यहाँ से रिमूव कर देंगे। डेट का फॉर्मेट चेंज हो चुका है, टॉप पर क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल वन, जाएंगे डेट में और यहाँ से डिजायर्ड डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे और करेंगे ओके। डेट का फॉर्मेट चेंज हो चुका है। यहाँ हम शीट्स क्रिएट करेंगे रीजन वाइज, तो हम क्लिक करेंगे रीजन के टॉप पे, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। अब हम प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल एल, आते हैं ऊपर की तरफ, हमारा यहाँ फिल्टर क्रिएट हो चुका है। क्लिक करते हैं फिल्टर पे, सेलेक्ट ऑल पर टिक है, अनटिक करते हैं और सेलेक्ट करते हैं ईस्ट, क्लिक करते हैं अप्लाई फिल्टर पे, इसे क्लोज कर देंगे, शीट को रीनेम कर देते हैं, ये हो जाएगा ईस्ट। इसका चार कॉपी क्रिएट कर लेंगे हम। कॉपी क्रिएट करने के लिए माउस को आप राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं मूव और कॉपी, या फिर आप ऑल्ट प्रेस कर सकते हैं, शीट को ड्रैग करके प्लस के साइन पर ड्रॉप कर सकते हैं और आपका कॉपी क्रिएट हो जाएगा। मैंने चार कॉपी क्रिएट कर लिया है, पहला था ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। ईस्ट का डेटा परफेक्ट है, जाते हैं वेस्ट में, रीजन पर क्लिक करते हैं, फिल्टर बटन पर क्लिक करेंगे, ईस्ट को अनसेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे वेस्ट, अप्लाई फिल्टर, इसे क्लोज करेंगे। ये वेस्ट का डेटा रेडी हो चुका है, जाते हैं नॉर्थ में, फिल्टर बटन पर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं नॉर्थ, अप्लाई फिल्टर, इसे क्लोज करते हैं, तो ये नॉर्थ का डेटा आ चुका है। साउथ क्लिक करते हैं यहाँ, फिल्टर बटन पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे साउथ, इसे अनटिक करेंगे, अप्लाई फिल्टर, इसे क्लोज करते हैं। तो हमारे सारे शीट्स रेडी हो चुके हैं, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम मैक्रोज यूज करेंगे, सारे हेड्स को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी या कमांड सी, न्यू शीट इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी या कमांड वी, कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेते हैं, सेल्स पर्सन के हेड को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी या कमांड सी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी या कमांड वी, जाएंगे डेटा एंट्री शीट में, सेल्स पर्सन के पूरे कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी या कमांड सी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी या कमांड वी, जाएंगे डेटा में, डेटा टूल्स, यहाँ ऑप्शन नज़र आता है रिमूव डुप्लीकेट्स का, क्लिक करेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स पर, माई लिस्ट हैज हेडर्स और हम करेंगे ओके। ओके, सारे डुप्लीकेट्स यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, सेलेक्ट करते हैं इसे, जाते हैं होम में और बॉर्डर्स इंसर्ट कर देंगे। अब हम जाएंगे अपने न्यू शीट में, सेल्स पर्सन के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे, जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, सोर्स, जाएंगे अपने डेटा एंट्री शीट में, इसे लेफ्ट में लेते हैं, सारे सेल्स पर्सन के नेम को हम सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से बॉटम तक और हम करेंगे ओके। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट सेल्स पर्सन का नाम। अब हम शीट में कहीं भी क्लिक करेंगे और जाएंगे अपने डेटा एंट्री शीट में, डेटा में क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल ए। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, माई टेबल हैज हेडर्स और हम करेंगे ओके। आते हैं
न्यू शीट में व्यू शो ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देंगे। अब हम जाएंगे डेवलपर में, लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन नजर आता है रिकॉर्ड मैक्रो का, क्लिक करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो पर, इसका नेम हम दे देंगे रिफ्रेश, करेंगे ओके। मैक्रो की रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जाएंगे डेटा में, सेंटर में ऑप्शन नजर आता है एडवांस्ड फिल्टर का, क्लिक करेंगे एडवांस्ड फिल्टर पे, दो ऑप्शन नजर आते हैं फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस या फिर कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्लिक करेंगे हम कॉपी टू अनदर लोकेशन पर। लिस्ट रेंज, जाएंगे अपने डेटा एंट्री शीट में, क्लिक करेंगे इनवॉइस का जो हेडिंग है उस पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की राइट एरो की, पूरा का पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम क्लिक करेंगे क्राइटेरिया रेंज पर, क्राइटेरिया रेंज में हम सेलेक्ट करेंगे सेल्स पर्सन का हेड और नेम, कॉपी टू सारे जो हमारे हेड्स हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे और हम करेंगे ओके। सारा डेटा आ चुका है, साथ में बॉर्डर्स भी आ चुके हैं, पूरे शीट को सेलेक्ट करते हैं, होम में जाते हैं, बॉर्डर्स सारे बॉर्डर्स को हम रिमूव कर देंगे, मींस नो बॉर्डर्स। अब हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और यहां से सेलेक्ट करेंगे क्लासिक। इनकेस आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपको क्लासिक ऑप्शन नजर नहीं आएगा, आपको नेक्स्ट स्टेप नजर आएगा जो कि है ओनली फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन स्पेसिफिक टेक्स्ट, यहां नजर आ रहा है। क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर, सेलेक्ट करते हैं नो ब्लैंक्स, क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर कस्टमाइज फॉर्मेट, यहां चार चीजें नजर आती हैं नंबर फॉन्ट बॉर्डर और फिल। हम जाएंगे बॉर्डर पे, सेंटर में क्लिक करेंगे जहां आउटलाइन लिखा हुआ है और हम करेंगे ओके ओके, क्लिक करेंगे सेल्स पर्सन के नाम पे, इसे सेंटर में अलाइन कर लेंगे। अब हम जाएंगे डेवलपर में, स्टॉप रिकॉर्डिंग, मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है, जाएंगे इंसर्ट में और यहां पे एक शेप इंसर्ट कर लेंगे, क्लिक करेंगे यहां, इसे रिसाइज कर लेंगे, इसको एक नेम दे देंगे, ये हो जाएगा रिफ्रेश। जाएंगे होम में, सेंटर अलाइन कर लेंगे और मिड में अलाइन कर लेंगे, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे, परफेक्ट। अब हम शेप पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, असाइन मैक्रो, ये हमारा मैक्रो है रिफ्रेश नाम से जो हमने जस्ट अभी रिकॉर्ड किया था, क्लिक करेंगे यहाँ और कर देंगे ओके। हमारा मैक्रो असाइन हो चुका है, ये शीट है हमारा अल्बर्ट का, इसे हम रीनेम कर देते हैं अल्बर्ट, इसका कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, प्रेस करेंगे ऑल्ट और इसे ड्रैग करके प्लस के साइन पे ड्रॉप कर देंगे। जाएंगे टॉप पर, यहां से नाम चेंज करके कर लेंगे अलेक्जेंडर, क्लिक करेंगे रिफ्रेश पर, तो ये अलेक्जेंडर का डेटा आ चुका है। इसी तरीके से आपको बाकी के सारे शीट्स भी क्रिएट करने होंगे। जब आपके कॉपीज क्रिएट हो जाएं, तो आप यहां से नेम सेलेक्ट कर लें, जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं ड्रिव और क्लिक करूंगा रिफ्रेश पर, तो ये ड्रिव का डेटा आ चुका है। अपना नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ये हमारा डेटा है, हेड्स को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी न्यू शीट इंसर्ट करेंगे, क्लिक करेंगे B5 पर और सारे हेड्स को यहां पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी, कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं सेल्स पर्सन को कंट्रोल सी या कमांड सी और यहां पर पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी या कमांड वी, दो सेल्स को मर्ज कर लेते हैं आपस में, इसे नीचे ड्रैग कर लेते हैं, डिलीट करते हैं सेल्स पर्सन, जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, सेलेक्ट करेंगे लिस्ट सोर्स, जाएंगे अपने मेन शीट में, क्लिक करेंगे फर्स्ट सेल्स पर्सन के नाम पे, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की और करेंगे ओके। तो हमारे यहाँ ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है, क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर, सेलेक्ट करते हैं अल्बर्ट, आप जो भी नाम चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे और अपना फॉर्मूला हम इंसर्ट करेंगे, हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट ओपन आर ए। हम जाएंगे अपने डेटा एंट्री शीट में, पूरे डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे टॉप से एंड तक, मींस हम अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 और पूरा का पूरा रेंज हमारा लॉक हो जाएगा। कॉमा इंक्लूड, हम इंक्लूड करेंगे सेल्स पर्सन के नेम को, तो इसे हम टॉप से सेलेक्ट करेंगे, मींस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 या फिर F4 और पूरा का पूरा रेंज हमारा लॉक हो जाएगा। इज इक्वल टू, हम जाएंगे अपने न्यू शीट में और क्लिक करेंगे सेल्स पर्सन के नाम पर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, हमारा पूरा डेटा आ चुका है, कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेते हैं, पूरे शीट को सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, सेलेक्ट करेंगे क्लासिक और यहां से सेलेक्ट करेंगे ओनली फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन स्पेसिफिक टेक्स्ट नजर आ रहा है, क्लिक करते हैं यहां नो ब्लैंक्स, क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर कस्टमाइज फॉर्मेट बॉर्डर
क्लिक करते हैं आउटलाइन पर और कर देते हैं ओके। ओके, डेट का फॉर्मेट चेंज हो चुका है, क्लिक करते हैं टॉप पर, इसे सेंटर अलाइन करते हैं, फिर से क्लिक करते हैं टॉप पर, प्रेस करेंगे कंट्रोल वन, जाएंगे डेट में, एक डिजायर्ड डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और करेंगे ओके। तो ये हमारा अल्बर्ट का शीट रेडी हो चुका है, इसका कॉपी क्रिएट कर लेंगे, प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस साइन पे ड्रॉप कर देंगे, क्लिक करेंगे टॉप पर, यहाँ से सेकंड सेल्स पर्सन का नाम हम सेलेक्ट कर लेंगे अलेक्जेंडर। तो ये अलेक्जेंडर का डेटा आ चुका है, शीट को रीनेम कर देते हैं अलेक्जेंडर। चीज़ें प्रॉपरली अलाइन नहीं हैं, आप अपने हिसाब से अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको बाकी के सारे सेल्स पर्सन का भी डेटा रेडी करना होगा। देखते हैं नेक्स्ट तरीका या फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये हमारा डेटा है और हमें डेटा डिवाइड करना है रीजन वाइज। सारे हेड्स को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी, न्यू शीट इंसर्ट करेंगे, क्लिक करेंगे C5 पर और यहाँ डेटा पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। हेड्स को एडजस्ट कर लेते हैं, इनवॉइस नंबर वाले हेड को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ये हो जाएगा हेल्पर, एंटर। यहाँ से रीजन कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी। नेक्स्ट सेल को भी सिलेक्ट करते हैं, इसे आपस में मर्ज कर लेंगे, इसे नीचे ड्रैग कर लेते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ और इसे डिलीट कर देंगे, जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, सोर्स यहाँ टाइप करेंगे ईस्ट कॉमा वेस्ट कॉमा नॉर्थ कॉमा साउथ और हम करेंगे ओके। तो हमारा ड्रॉपडाउन क्रिएट हो चुका है, सेलेक्ट करते हैं ईस्ट, यहाँ बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं, इसे क्लोज लेते हैं, व्यू में जाएंगे, शो ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देंगे, क्लिक करेंगे हेल्पर के जस्ट नीचे और यहाँ हम अपना फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे रीजन पे जहाँ ईस्ट लिखा हुआ है, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा सेल लॉक हो जाएगा, इज इक्वल टू जाएंगे अपने डेटा एंट्री शीट में और फर्स्ट रीजन पे क्लिक करेंगे कॉमा, अब हम क्लिक करेंगे फर्स्ट इनवॉइस नंबर पे कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा दो बार ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ हेल्पर का नंबर आ चुका है, होम में जाते हैं, इसे सेंटर अलाइन कर लेंगे, पूरे शीट को सेलेक्ट करेंगे और सारी चीज़ों को मिड में अलाइन कर लेंगे, क्लिक करेंगे फर्स्ट हेल्पर पे और इसे नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे, आते हैं ऊपर की तरफ, क्लिक करेंगे इनवॉइस नंबर के जस्ट नीचे और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट ओपन RA, हम सेलेक्ट करेंगे हेल्पर को टॉप से, यहाँ हमने रीजन के लिए सेल को मर्ज किया था इसलिए इसने सी को भी पिकअप कर लिया है, यहाँ से सी को हम डिलीट करते हैं, इज इक्वल टू फिर से बी टाइप कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं दोनों को, प्रेस करते हैं फंक्शन F4 या फिर F4 और पूरा का पूरा रेंज हमारा लॉक हो जाएगा, कॉमा रो ब्रैकेट ओपन, रो का हम रेफरेंस लेंगे इनवॉइस नंबर का हेड, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 या फिर F4 और पूरा रेंज लॉक हो जाएगा, H2 फिर से क्लिक करेंगे हम इनवॉइस नंबर पे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे जब तक हमारा ब्रैकेट ब्लैक ना हो जाए और हम एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ फर्स्ट इनवॉइस नंबर आ चुका है, फॉर्मूला बार में जाते हैं और इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेंगे, इफ एरर ब्रैकेट ओपन एंड में आएंगे कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा दो बार ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे, सारे इनवॉइस नंबर्स यहाँ आ चुके हैं। सेल्स पर्सन रीजन और बाकी के हेड्स के लिए हम वी लुकअप यूज करेंगे और हमारा फंक्शन या फिर फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू, इनवॉइस नंबर होगा हमारा लुकअप वैल्यू, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 तीन बार और डॉलर साइन सेल नंबर या फिर सेल रेफरेंस के जस्ट पहले इंसर्ट हो जाएगा, कॉमा टेबल RA, टेबल RA के लिए हम जाएंगे अपने डेटा एंट्री शीट में और हम पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे टॉप से लेके एंड तक, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और रेंज हमारा लॉक हो जाएगा, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, हमने वी लुकअप का सिलेक्शन स्टार्ट किया था इनवॉइस नंबर से तो इनवॉइस नंबर होगा कॉलम इंडेक्स नंबर 1, सेल्स पर्सन होगा कॉलम इंडेक्स नंबर 2, रीजन होगा 3, ये होगा 4, 5, 6 एंड 7। तो हमें इंसर्ट करना है सेल्स पर्सन का नाम तो हम यहाँ इंसर्ट करेंगे 2, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लेकिन एंटर हिट करने से पहले हम इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर देंगे, इफ एरर ब्रैकेट ओपन एंड में आएंगे कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा दो बार ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ सेल्स पर्सन का नाम आ चुका है, इसे हम अमाउंट तक ड्रैग कर देंगे, सभी जगह सेल्स पर्सन का नाम आ रहा है,
हम जाएंगे रीजन में, अब हम जाएंगे फॉर्मूला बार में और यहाँ से कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर देंगे। ये है 3, एंटर। ये हो जाएगा 4, एंटर। ये हो जाएगा 5, एंटर। ये हो जाएगा 6, एंटर। और ये हो जाएगा 7। इन केस आप मैनुअली कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ कॉलम्स का फंक्शन या फिर फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हैं। सबको सेलेक्ट करेंगे और सेंटर में अलाइन कर लेंगे। डेट का फॉर्मेट चेंज हो चुका है, टॉप पर क्लिक करते हैं, प्रेस करेंगे Ctrl+1, जाएंगे डेट में और एक डिजायर्ड डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे और करेंगे ओके। अब हम सभी को सेलेक्ट करेंगे और नीचे तक इसे हम ड्रैग कर देंगे। प्रेस करेंगे Ctrl+A और यहाँ पर बॉर्डर्स इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारा ईस्ट का डेटा रेडी है। अगर हम क्लिक करते हैं ड्रॉपडाउन पर और सेलेक्ट करते हैं वेस्ट, तो ये हमारे सामने वेस्ट का डेटा रेडी है। इसे हम वापस ईस्ट कर लेते हैं, इसका कॉपी क्रिएट कर लेंगे सारे रीजन्स के लिए। प्रेस करेंगे ऑल्ट, इसे ड्रैग करके प्लस के साइन पर ड्रॉप कर देंगे। दो कॉपी और क्रिएट कर लेंगे। फर्स्ट हो गया हमारा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। जाएंगे वेस्ट में, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, इसे कर लेंगे वेस्ट। ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। अब हम जो भी एंट्री अपने डेटा एंट्री शीट में करेंगे वो ऑटोमेटिकली चारों के चारों शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। अब तक के एग्जांपल में हमने देखा कि सेम वर्कबुक में डिफरेंट शीट्स में हम डेटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस बार जो हम एग्जांपल देखेंगे उसमें देखेंगे कि हम अपने डेटा को एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और दोनों वर्कबुक हमारा इंटरकनेक्टेड होगा। एक न्यू वर्कबुक इंसर्ट कर लेंगे हम। लेफ्ट साइड में हमारा डेटा है और राइट साइड में हमारा न्यू वर्कबुक है। कॉलम ए को क्लोज लेते हैं, क्लिक करेंगे B5 पर, प्लस या फिर इक्वल टू। हम जाएंगे अपने डेटा में और फर्स्ट जो हेड है उस पर डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर शीट का नेम आ चुका है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे, फर्स्ट हेड इनवॉइस नंबर नज़र आ रहा है। क्या होगा इसे अगर हम नीचे ड्रैग करेंगे? मैं ड्रैग करता हूँ इसे और सभी जगह इनवॉइस नंबर नज़र आ रहा है। इसे मैं अंडू करता हूँ, Ctrl+Z या Cmd। अगर हम फॉर्मूला बार में देखेंगे तो जो हमारा सेल रेफरेंस है वहाँ डॉलर इंसर्ट हो चुका है, यानी कि सेल हमारा लॉक हो चुका है। तो दोनों डॉलर्स को हम रिमूव करेंगे, यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे ड्रैग कर लेते हैं और हमारा डेटा प्रॉपरली नज़र आ रहा है। सारे हेड्स को हम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ से। अमाउंट के बाद जीरो नज़र आ रहा है क्योंकि मेन डेटा में अमाउंट के बाद हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं है। आते हैं ब्लैंक वर्कबुक में, क्लिक करते हैं फर्स्ट हेड पर, जाते हैं फॉर्मूला बार में और यहाँ हम इफ़ का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेंगे। इफ़ ब्रैकेट ओपन, जाएंगे अपने डेटा शीट में और क्लिक करेंगे फर्स्ट हेड पर, इज इक्वल टू ब्लैंक। ब्लैंक के लिए इंसर्ट करेंगे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार। अगर डेटा एंट्री शीट में ब्लैंक हो तो रिटर्न में हमें ब्लैंक चाहिए, तो ब्लैंक के लिए हम फिर से इंसर्ट कर लेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार, कॉमा। आएंगे एंड में, फॉर्मूला बार को इंक्रीज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे राइट में ड्रैग कर लेंगे। अभी भी यहाँ जीरो नज़र आ रहा है, क्लिक करते हैं इनवॉइस नंबर पर। B2 सेल जो है वो हमारा लॉक्ड है, यहाँ से लॉक को हम रिमूव करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब हम इसे राइट में ड्रैग कर लेंगे। जीरो हमारा वैनिश हो चुका है, इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। आते हैं ऊपर की तरफ और हमारे दोनों शीट्स इंटरकनेक्ट हो चुके हैं। डेट का फॉर्मेट हर बार चेंज हो जाता है, आपको प्रेस करना होगा Ctrl+1, जाना होगा डेट में और कोई भी डिजायर्ड डेट फॉर्मेट आप सेलेक्ट करके ओके कर दें और आपका डेटा रेडी है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम मास्टर शीट से डेटा बाकी के शीट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं इस फॉर्मेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।